गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है अदीर और आज हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि जैसा आप जानते हैं ईद बहुत करीब है, रमज़ान का आखिरी अशरा है और ईद से पहले ज़ाहिर सफाइयाँ वफाइयाँ सब चीज़ें करनी होती हैं। तो ये बैकयार्ड है हमारा बहुत बड़ा पीछे और ये बैकयार्ड है हमारा और आपको फ्रंट यार्ड भी दिखाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी होता है स्प्रिंग में इसको क्लीन करना। तो स्प्रिंग आ गया है और आप सोचोगे क्लीन क्यों करना है। तो फॉल में होता है क्या है कि सारे जितने भी इसके पत्ते होते हैं वो सब गिर जाते हैं, टहनियाँ टूट के गिर जाती हैं। फॉल में होता है क्या है कि हवाएं भी बहुत चल रही होती हैं तो उसमें ज़ाहिर है वो गिरने का प्रोसेस होता है तो उसमें आप क्लीन कर नहीं सकते। और फिर विंटर स्टार्ट हो जाता है तो स्नो शुरू हो जाती है तो तब भी आप क्लीन नहीं कर सकते, बहुत ठंड होती है बाहर। तो इसकी क्लीनिंग का टाइम जो है वो स्प्रिंग में ही होता है। तो ग्रास कटिंग है, बैकयार्ड की क्लीनिंग है, ठीक है ना, तो ये सब स्प्रिंग में ही पॉसिबल होता है क्योंकि स्प्रिंग में वेदर भी अच्छा हो जाता है और आज ज़बरदस्त वेदर है, 15-16 डिग्री हो रहा है आउटसाइड तो बहुत अच्छा लग रहा है, सनी भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको क्लीन कर लिया जाए और फिर एक दिन फ्रंट यार्ड के लिए भी निकालेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ख़राब है जो इसको क्लीन करना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त बैक यार्ड की हालत क्या है। चलें आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा शेड और यहाँ इस शेड में जो है वो ऐसा सामान रखा जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बैकयार्ड में शेड में क्या हम रखते हैं। तो ये देखें, ये टायर्स रखे हैं कुछ अभी रिसेंटली मैंने, ये विंटर टायर्स हैं जो कि हर साल लगते हैं गाड़ी में और इसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये हमारी वो ग्रास कटिंग मशीन रखी हुई है, इसका भी टाइम आ गया, इसको निकालना है, ठीक है, और मतलब सामान रखने की जगह, ठीक है। तो ये चेक करें आप ज़रा पत्ते, ये पूरे इस बड़े ट्री से गिरे हैं, सारे ब्राउन ब्राउन जितने भी हैं। वैसे तो ये अच्छा है कि अगर ये पड़े रहें और ये मिट्टी में मिक्स हो जाएं तो ये बड़ी अच्छी इसकी जो है ना वो इसकी सॉइल बन जाती है और ये बड़ा अच्छा काम करते हैं इसको ग्रोथ करने में ट्रीज़ को। लेकिन हम लोग क्लीन कर लेते हैं यहाँ की जो है ना वो मिट्टी जो है वो अच्छी है, ग्रास बहुत जल्दी और तेज़ी से बढ़ती है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसको रोकने की। ये देखें आप, छोटी छोटी टहनियों के पीस पड़े हुए हैं, ये आप देखें यहाँ, सारा हाल चेक करें। ये फायर पिट है हमारी, इसको देखें गिर गिर के इसमें इस ट्री में से ये गिरे हैं सारे, तो ये सब यहाँ पे कचरा जमा है, खाक खाक घुस जाते हैं, ठीक है। ये देखें टूट टूट के टहनियाँ कहाँ तक आई हुई हैं, ये पड़ी। आज मैंने अपने बजीज को बाहर निकाला है काफ़ी दिनों बाद धूप लेने के लिए कि भाई धूप ऊप लो, तो ये भाई साहब जो है ना दोनों बैठे हैं बाहर मज़े कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे तक टहनियाँ आती हैं, ये इसका कवर देखें उड़ के, ग्रिल का कवर वहाँ पड़ा हुआ है, हालांकि ये बंधा हुआ था, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये सब देखें गंदा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है क्लीन करना। ये देखें कितना जमा हुआ हुआ है यहाँ पे कॉर्नर का, तो ये पूरा आप देखेंगे कि सारे बैकयार्ड में ये सारे सूखे हुए पत्ते टहनियाँ सब पड़ी हैं। तो ये सब जो है अच्छा नहीं लगता कि अगर आप चेयर्स वगैरह डाल के इधर बैठें या कोई गेस्ट वगैरह आए आपके तो यू नो ग्रास बड़ी हुई है और पत्ते सूखे पड़े हुए हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो कैसे इसको क्लीन करते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो है गार्डन क्लीनर ये देखें, ज़बरदस्त सही है, इन्होंने बनाया हुआ है ये। इसका काम ये है कि ये ग्रास में से जो है पत्ते खींचता है, देखें इस तरह। तो मैं जो है हर साल इसी से करता हूँ, ये मैं खैर 2 साल पहले लिया था। इसमें ऑप्शन भी है कि इसको आप
थोड़ा खोलें और ये इसका बटन दिया हुआ है तो इसको कैसे उठा के आप बैग में डालेंगे वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखें इस तरह ये क्लीन करता जाता है। तो चलें वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे क्लीनिंग शुरू करते हैं और एंड रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, देखा आपने बैकयार्ड की जस्ट अभी मैंने कोई डिटेल सुपर डिटेल क्लीनिंग नहीं की,
ओनली मैंने जो पत्ते गिरे हुए थे, टहनियाँ गिरी हुई थी, सिर्फ वो उठाई हैं और मुझे तकरीबन 3 आवर्स लग गए इस सारे काम में। तो आप ये बैकयार्ड की कंडीशन देख सकते हैं ना यहाँ के, अब कैसा लग रहा है ये पहले के मुकाबले में। और अभी ग्रास नहीं कटी, ग्रास अभी बाकी है। हाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कितने बैग्स भर गए यहाँ। देखें दोस्तों, ये 4 बैग्स रखें और इसको फुल कहते हैं, ये फुल भरा हुआ है, ठीक है। इसको फोल्ड करना होता है वरना सिटी वाले उठाते नहीं हैं, ठीक है। ये 4 हैं और एक यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कोई सुपर क्लीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, सारी लकड़ियाँ जो टूटी पड़ी थी वो मैंने यहाँ रख दी हैं। तो भाई लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ क्यों रखी हैं, इस फायर पिट पर, ये बाद में जलाने के काम आएंगी। और ये गिव अवे करनी है टेबल, लास्ट ईयर इसका ग्लास टूट गया था, इसका टॉप, तो ये भी देनी है किसी को। तो ये हमारा आ गया डेक, ठीक है जी। ये भी रीपेंट मांग रहा है, रीस्टेन, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको हाल दिखाया था, बजीज एंजॉय कर रहे थे आज सारा दिन, हाँ चले गए अंदर भाग गए। तो ये है बैकयार्ड, और मुझे लगता है एक आध वीडियो और बनेगी फ्रंट यार्ड की भी। और तो ये है यहाँ पे, अभी देखें आप मशीन की आवाज़ आ रही है बराबर से, है ना। तो ये भी कोई जो है कुछ कर रहा है, अपना ग्रास कटिंग कर रहा है या ट्रिमिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये बर्ड फीडर मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे, और ये मैं एक अच्छा सा बनाऊंगा एक और इनके लिए। ये 2 लगे हुए हैं अभी, तो दोनों खाली हैं, ये एक ही दिन में सब खा जाते हैं, ठीक है ना। जितना भर दो ये सारा एक ही दिन में खा जाते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये बैकयार्ड क्लिनिंग आपको समझ में आई होगी कि यहाँ किस तरह लोग काम करते हैं। और क्वेश्चन ये भी है, लोग बोल रहे होंगे कि आपने कोई बंदा हायर क्यों नहीं किया, 2-3 घंटे आपने खुद लगा दिए, तो आपने बंदा हायर क्यों नहीं किया कोई, क्योंकि बंदे तो हैं यहाँ पे जो ये काम करते हैं, यार्ड क्लीन करते हैं लोगों का, ठीक है। तो असल में यहाँ पे जो ये इस टाइप के लैंडस्केपर हैं और जो ये बैकयार्ड का काम वगैरह करते हैं, ये उनका सीज़न है अभी, मतलब आप ये समझें कि हर कोई उनको कॉल कर रहा होगा, ठीक है। और बड़ी बड़ी लोगों ने कंपनियां बनाई हुई हैं और बहुत पैसे चार्ज करते हैं। तो अगर आप ये समझें कि सिर्फ ये काम जो मैंने अभी ये 4 या 5 बैग भरे हैं, ठीक है, ये 2-3 घंटे मेरे लग गए, लेकिन अगर मैं उनको बुलाता ना तो कम से कम जो है वो $150 ले जाते, ठीक है। अब $150 में भाई 4-5 डेज़ की ग्रोसरी आ जाती है, ठीक है, 4 डेज़ तो निकल ही जाते हैं भाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है ना। और अभी नहीं मुझे लगता कि वो 150 में करते, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो ऑफ सीज़न का, तो मुझे ये पता है क्योंकि एक आध दफ़ा हमने करवाया था, 1-2 बार हमने बुलाए थे बंदे, तो वो लेके गए थे उस वक्त 120-130, ठीक है। लेकिन अभी सीज़न है तो मुझे नहीं लगता 150 में कोई आएगा, ठीक है ना, 3 घंटे 150 नहीं, कोई नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ, बड़े बड़े लोग खुद से काम करते हैं, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है, आपकी एक्सरसाइज रहती है, आप एक्टिव रहते हैं, अपना काम खुद करें, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना काम खुद करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे बचा रहे हों, ठीक है ना, या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हों, अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी खुद ही काम करते हैं, रहे होते हैं अपना फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, अपनी कार खुद वॉश कर रहे होते हैं ड्राइवे पर, तो यहाँ पर ये फ़न समझा जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के लोगों में कि शर्म नहीं करते कोई काम करने में, कोई शर्म नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और बेल आइकन का ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।